हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पर मैं करेंटली वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको पता है, जो नए कैंडिडेट होंगे उनको मैं बता दूं कि असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पर मैं करेंटली वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर, जो अभी एसएनटी और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट का रेलवे में वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का है उसका सिलेबस अलग है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करेंगे, ठीक है, जिसका सिलेबस 25 क्वेश्चन मैथ का है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है, 10 क्वेश्चन जीकेजीएस का है और 40 क्वेश्चन साइंस का है। तो इसके पहले भी हमने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि रेलवे की तैयारी अगर आपको करना है तो साइंस पर फोकस ज़्यादा करना। देखिए, जैसा कि ऑफिशियल जो सिलेबस आया उसमें 40 क्वेश्चन का वेटेज है साइंस का, मतलब आपको समझ में आ रहा, 40% इकलौता साइंस ही कवर कर रहा है सिलेबस में, ठीक है। तो आपको कैसे तैयारी करना है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में इसके पहले मैं लोको पायलट का एग्ज़ाम भी लास्ट साइको तक पहुंचा था। साइको में मेरा कुछ मार्क्स से मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से फाइनल नहीं सिलेक्शन हो पाया। आरआरबी एनटीपीसी में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 तीनों लेवल के लिए मेंस हमने दिया था, टाइपिंग भी दिया था, बट उसमें भी नहीं हो पाया। तो फिलहाल ये तो हमारी अनसक्सेस की चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल रेलवे एसएनटी में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। तो ये बताने का रीज़न था कि देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम में मेनली किस टॉपिक से और क्या क्या कैसे पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बिगनर हैं, जो फर्स्ट टाइम रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं। जैसा देखिए, पीछे ट्रेन जा रही है, आप लोगों को दिखाई दे रही है, देखिए पीछे ट्रेन जा रही है ना, तो मैं अपने क्वार्टर से ही वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ट्रेन जा रही है, आप लोगों को बारीकी से आप देखेंगे तो पीछे ट्रेन जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे मेन किन किन टॉपिक पे और मेन फोकस किस सब्जेक्ट पे आप लोगों को रखना है, स्पेशली बिगिनर लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो लोग भी अगर आपको सुनना है तो आप देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आपकी स्ट्रेटजी कुछ अलग हो सकती है, जो मेरा स्ट्रेटजी है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा, जैसे टीचिंग, स्पेशली टीचिंग की भी मैं तैयारी करता रहता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद हमने डीएलएड कर रखा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैथ का सिलेबस आपको नोट कर लेना, जो जो टॉपिक हैं उसी तरीके रीजनिंग, कुल मिलाकर आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने स्टडी टेबल के सामने उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मैथ के टॉपिक हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक टॉपिक उठाए उसका प्रैक्टिस किया, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन उसी पर लगाया जा रहा है, ऐसा मिस्टेक आप मत कीजिएगा। आप पहले एक टारगेट रख लीजिए कि एक महीने के अंदर मैथ और रीजनिंग के सारे सिलेबस को एक बार पढ़ डालना है प्रॉपर, किसी भी यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब पे फ्री में इतने सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, आपको पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज तक कोई पैड कोर्स लेकर तैयारी नहीं किया। यूट्यूब पे जो कंटेंट मेरे को समझ में आता है उसके प्रॉपर वीडियो बना लेता हूँ और बुक से प्रैक्टिस करता हूँ। और दूसरी चीज़, आपको पहले, और अगर आपके पास मान के चलिए प्रॉपर टाइम है, पैसे हैं, तो आप किसी चैनल को प्रॉपर, जो चैनल आपको रिलेवेंट लगे उसका कोर्स ले लेंगे तो और बेस्ट रहेगा, अगर बिगिनर हैं तो। नहीं तो आप अगर एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैथ रीजनिंग का सिलेबस एक बार पहले कंप्लीट कर लीजिए, टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, और साइंस एक बार लुसेंट पूरी तरीके से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लुसेंट से एक बार पढ़ लीजिए। लुसेंट से काम नहीं चलने वाला, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा साइंस के लिए। उसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी का घटना सार आता है वो खरीद लीजिए, या एनसीईआरटी का जो भी बुक साइंस का होगा उसको खरीद लीजिए, ठीक है। और जीकेजीएस पे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टैटिक जीके पे आप फोकस कीजिएगा, जो जियोग्राफी का स्टैटिक जीके होता है, और 2-4-5 क्वेश्चन करेंट के, 10 क्वेश्चन ही आना, तो 2-3 क्वेश्चन करेंट के आएंगे, बाकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको साइंस भी प्रॉपर तैयार कर लेना। अब साइंस तैयार करने के बाद अगर आप साइंस में 40 क्वेश्चन का वेटेज है तो आपको करना क्या है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है स्पेशली साइंस के लिए भी, और सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप आता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर घटना चक्र का एनसीईआरटी का साइंस का बुक आता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। साइंस का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
साइंस का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। मान के चलिए अगर आप, और दूसरी चीज़ आपको पता है कि कट ऑफ इसका 80 प्लस ही जाएगा, 80 का 85 90 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाएगा। मैं SNT की बात कर रहा हूँ जो 12th PCM के लिए है, और जो ITI पोस्ट के लिए तो उन लोगों का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगा कि आप एकदम तैयारी करना ही छोड़ दीजिए, लेकिन ITI वालों का कट ऑफ कम जाता है, और जो 12th PCM है उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आपको करना क्या है कि एक महीने के अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, जहाँ से भी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन मिले, RRB, NTPC, लोको पायलट, ग्रुप डी, अगर आपके पास टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, अगर टेस्ट बुक का आप पास प्रो रखें तो प्रीवियस ईयर का पेपर उसमें देता है। सिर्फ आप प्रैक्टिस लगाना चालू कीजिए, जितना प्रैक्टिस दे सकते हैं एकदम प्रैक्टिस देते रहिए, और एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको एक कॉपी अलग से बना लीजिए, RRB टेक्नीशियन के नाम से उस पर नोट करते जाइए, स्पेशली साइंस के क्वेश्चन को। और मैथ रीजनिंग में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश कीजिए 25-25 दिनों 50 क्वेश्चन में एटलीस्ट 45 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग हो जाए, और 35 क्वेश्चन साइंस में, ठीक है। 45 और 35 80 हो गए, आप 8-10 नंबर उधर से ला लीजिए, मतलब 85-90 नंबर का आप टारगेट रखिए। 12th PCM वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉन ITI वाले हैं, ठीक है, और जिनके पास ITI का क्वालिफिकेशन है उनका कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन आप भी सिलेबस तो सेम ही है तो तैयारी करना चालू कर दीजिए। सारे जोन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है सर इस जोन का कट ऑफ कम जाएगा, उस जोन का कट ऑफ कम जाएगा, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है 4-5 साल का रेलवे का, वो मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम देने का, रेलवे में तभी 1 साल हो रहा है अप्रॉक्स मुझे जॉब करते हुए, बट एग्ज़ाम देने का 2018 से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ रेलवे का। तो रेलवे के जो भी, कुछ तो लक पे डिपेंड करता है, कुछ जोन का कट ऑफ 2-4 नंबर 5 नंबर कम जा सकते हैं, मैक्सिमम जोन का कट ऑफ 1-2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंस था, कहीं कहीं पर 5-6 नंबर 7 नंबर कट ऑफ का डिफरेंस पड़ जाता, तो लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस जोन में फिल किया है। तो देखिए पहली बात, अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब नहीं लगी है, तो आपका पहला तो टारगेट होगा कि आप इंडिया के किसी कोने में जॉब मिल जाए, कोई भी जोन मिल जाए, जॉब लगने से मतलब है। जब जॉब लग जाती तब इंसान सोचता है कि घर के नियर अबाउट हो, अपने सिटी में हो, तो वो सेकेंडरी चीज़ है, पहले आप एक जगह अपनी एक जॉब को पक्का कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बताना था, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई पूरा देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए।